उत्तर प्रदेश में अगले महीने होने वाले निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो जाएगी। मंगलवार से पहले फेज के लिए नामांकन का काम शुरू होगा और ये पूरा काम 17 अप्रैल तक चलेगा। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक पहले चरण में 9 मंडलों में वोटिंग कराई जाएगी, जिसके लिए 11 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण में वाराणसी, देवीपाटन, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर और आगरा मंडलों में वोटिंग का काम कराया जाएगा। इन सभी मंडलों के जिलों में निकाय चुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को सिंबल देने के बाद नामांकन के लिए भेजेंगी, जिसके बाद इन सभी को चुनाव प्रचार करना होगा और फिर पहले चरण के लिए 4 मई और दूसरे चरण के लिए 11 मई को वोटिंग कराई जाएगी। 13 मई को निकाय चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए कुल 2 चरणों में वोटिंग होगी। 9-9 मंडलों को एक एक चरण में वोटिंग के लिए चुना गया है। लखनऊ में प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो खुद डीएम सूर्यपाल गंगवार ने सोमवार को नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। लखनऊ के पुलिस ने भी इसके लिए तमाम इंतजाम पूरे कर लिए हैं। नामांकन स्थल के अंदर सिर्फ प्रत्याशी और उनके प्रस्तावकों को जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी वाहन को नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि में आने की अनुमति नहीं होगी। लखनऊ पुलिस द्वारा जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा होता है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है लगातार, और जो नामांकन स्थल है वहाँ पर भी जो इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस हैं उसके तहत सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसमें जो नामांकन स्थल हैं उनकी 200 मीटर की परिधि में बैरिकेडिंग की जा रही है और वहाँ से किसी भी जो भी अनुमन्य लोग हैं, जो 4 अनुमन्य लोग हैं उन्हीं को वहाँ से एंट्री दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी वाहनों की भी एंट्री उस एरिया में नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में इस बार करीब 4,27,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायतों में चुनाव कराया जाना है। इसके लिए तमाम स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर निगमों का चुनाव ईवीएम के जरिए होगा। इसके अलावा अन्य निकायों का चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिलहाल बीजेपी के पास मेयर की सीट है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी अपनी सीट बरकरार रख पाएगी या फिर किसी अन्य पार्टी को यहाँ पर जीत मिलेगी, ये पूरा खेल अगले महीने तक तय हो जाएगा। लेकिन इन सबके लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो रही है। प्रशासन ने इसके लिए सारे इंतजाम पूरे कर लिए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।